तो हे गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। गाइज, आज के वीडियो में मैं फाइनली अपना गेमिंग सेटअप दिखाने वाला हूँ आपको। और यार, ये वीडियो ना थोड़ी सी रॉ होगी, थोड़ी सी इसकी शेकी सी वीडियो क्वालिटी होगी, तो प्लीज़ सह लेना थोड़ा सा। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं अपना गेमिंग सेटअप मैं आपको कैसे दिखाने वाला हूँ, तो मैं बस जो है आपको क्लियरली बताने वाला हूँ, ठीक है? तो यार, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार ऑफ द शो का, जो कि मुझे लगता है मेरा ये मॉनिटर है। ये 32 इंच का 1440p मॉनिटर है और ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से, ऑनलाइन ही मंगवा लिया था। और मैंने बेसिकली ये लिया था अपने एक्सबॉक्स सीरीज एस के लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि सीरीज एस की मैक्सिमम कैपेबिलिटी ही 2K है ना, मतलब जो नेटिवली चला सकता है वो। तो मेरे को लगा ठीक है यार, आई थिंक 1440p विल बी गुड। एंड 32 इंच मैंने यार, मेरे को मतलब ऑफकोर्स पता था कि जितनी बड़ी स्क्रीन हो उतना मज़ा आता है, बट मैं 43 इंच का टीवी मुझे लगता थोड़ा स्ट्रेच हो जाता बजट पे भी और वैसे स्क्रीन साइज में भी। तो मैंने कहा मेरा रूम छोटा सा है, तो आई विल जस्ट गो फॉर अ 1440p बट 32 इंच स्क्रीन। तो यार, दिस इज़ एन अमेजिंग मॉनिटर यार। और अगर आपके पास सीरीज एस है और आपके पास टीवी नहीं है और आपको कुछ खरीदना उसके साथ मॉनिटर एक्सेट्रा, गाइज आई विल हाईली रिकमेंड दिस। एंड यार, ऑफ कोर्स इस मॉनिटर पे हमारा ही चैनल शो कर रहा है, हिमांशु राणा, एंड यही सारी मेरी ही वीडियोज हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो गाइज अभी जाके देखो यार। तो गाइज यार, मॉनिटर के लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स हमारा सीरीज एस का कंट्रोलर है, उसके पीछे एक ब्लूटूथ लैंप है, जो कि मैं आपको थोड़ा अंधेरा करके रात वाली इसकी कितनी लाइटिंग है वो दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे हमारा निंटेंडो स्विच OLED पड़ा हुआ है, जिस पे फॉल गेज खेल रहा था मैं। ये रहे हमारे रियलमी के ईयरबड्स, एंड ये रहे हमारे गणेश भगवान। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो आप देख सकते हो वो हो गया मून लैम्प। ये मुझे बहुत सही लगता है यार रात को जलाने के लिए, एंड गेमिंग सेटअप में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों की यार मैं लिंक्स वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट हो खरीदने में तो आप डायरेक्टली लिंक से खरीद सकते हो। एंड मैं ऑफकोर्स इन सब को आपको चला के दिखाऊंगा कि ये गेमिंग सेटअप थोड़े अंधेरे में, मतलब रात में, कैसा दिखता है। एंड यार, यहाँ पे हमारे हैं सेनहाइजर के हेडफोन्स। एंड यार, ये हेडफोन्स क्या अमेजिंग यार, इनके साउंड क्लैरिटी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है ना। मतलब एक्सबॉक्स पे जब मैं मतलब कंट्रोलर पे 3.5 mm हेड जैक पे लगा के जब गेमिंग करता हूँ ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत क्रिस्प एंड बहुत क्लियर ऑडियो साउंड है इसकी। उसके बाद यार, यहाँ पे है हमारा एक्सबॉक्स सीरीज एस, एंड ये है FND के स्पीकर्स जो मैंने एक्सबॉक्स सीरीज एस के साथ कनेक्ट कर रखे हैं। वहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ ये ब्लैक सा, ये बेसिकली वायर मैनेजमेंट के लिए है, क्योंकि बहुत सारी वायर्स हो जाती हैं, तो मैंने जितनी वायर्स हो सकती थी कोशिश करिए कि इसमें डाल दूँ, ताकि यार जो सेटअप है ना वो थोड़ा सा नीट लगे। मतलब ऐसा ना वरना बहुत खलारा सा पड़ा रहता है वेब्स ये वायर्स का बेसिकली। एंड यार, यहाँ पे आप देख पाओगे कि ग्रीन और ब्लैक सा मैंने कुछ लगा रखा है इन वायर्स के साथ, ये बेसिकली वायर प्रोटेक्टर्स हैं। एंड मैंने ऑलमोस्ट अपनी हर एक वायर में लगा रखा है ये, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं, क्योंकि यार मुझे लगता है वायर्स ना ब्रेक डाउन हो जाती हैं ओवर टाइम, तो और मोस्टली ना इसी एरिया से ब्रेक डाउन होती हैं, तो यहीं मैं चाहता नहीं हूँ जल्दी पैसे डालना और वायर्स में, तो मैंने ये वायर प्रोटेक्टर भी खरीद रखे हैं। उसके बाद पीछे यार, ये रही एक LED स्ट्रिप, ये USB वाली है और इसमें भी काफ़ी कलर्स है, ये भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पर मुझे सही लगी यार, मुझे ज़्यादा लाइटिंग चाहिए नहीं थी ऐसी, और एक लाइट एक स्ट्रिप पे मेरा तो काम हो गया। इसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करता हूँ मैं यार, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने पहली भी अपनी वीडियो पे दिखाई थी है। ये बहुत अमेजिंग यार, क्योंकि इसमें जो निंटेंडो का चार्जर है, एक तो वो लग जाता है डायरेक्टली, तो मुझे कोई अडैप्टर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सेकेंडली यार, इसमें ना USB पोर्ट भी था, तो जब मैं अपना सेटअप का सोच रहा था ना कि कैसे मतलब क्या कनेक्ट करना है, तो बेसिकली ये जो ये वाली वायर है ना, ये है LED स्ट्रिप की वायर है, तो ये चार्जर में भी लग जाती है और वो जो USB पोर्ट है यहाँ पे, इससे भी कनेक्ट हो जाती है। तो अगर मुझे कभी चार्ज करना होता है तो मैं अपनी LED स्ट्रिप को इस पर कनेक्ट कर देता हूँ और मतलब सॉकेट फ्री हो जाता है बेसिकली एक। एंड यार, मैं एक MI का राउटर यूज़ कर रहा हूँ, ये छोटे जैसे मेरा टाइप का घर है उसके लिए ठीक है, बहुत बड़े घरों के लिए आई विल नॉट रिकमेंड दिस, बट इसकी स्पीड काफ़ी स्टेबल है, इसके ऐप्स में भी कुछ अच्छे फीचर्स हैं और ऐप से देख सकते हो आप कितना डेटा कंज्यूम हुआ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ओवरऑल ठीक है, मतलब मेरे यूज़ के लिए सही था ये, और मतलब मेरा प्लान भी बहुत बड़ा नहीं है तो ये हैंडल कर लेता है इतना बैंडविड्थ तो। एंड यार, कुछ ऐसा दिखता है ये वाला सेटअप इस एंगल से। अगेन गाइज, मेरे को कोई आइडिया नहीं है ऐसी वाली वीडियोस कैसी बनाते हैं, तो अगर आपको थोड़ी वियर्ड लग रही है वीडियो, आई अपोलोजाइज, आई होप फिर भी आप देखोगे और होपफुली आपको ये सेटअप की वीडियो पसंद आ रही होगी यार। अब आप सोच रहे होगे यार कि निंटेंडो OLED तो दिखा दिया, एक्सबॉक्स सीरीज एस भी दिखा दिया, पर निंटेंडो OLED का डॉक कहाँ है? तो यार, मैं एक्चुअली डॉक पे ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, निंटेंडो OLED बेसिकली हैंडहेल्ड डिवाइस है मेरे लिए, तो मैं मोस्टली हैंडहेल्ड ही रखता हूँ उसको, एंड मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा डॉक करके निंटेंडो को खेलना, टू बी वेरी फ्रैंक।
और यार ये जो आप सेटअप के पीछे देख रहे हो ना, ये बेसिकली एक वॉलपेपर है ऑफ कोर्स, एंड ये भी मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था। मुझे पीछे वॉल का ना ये डिज़ाइन बहुत सही लगा, एंड इसके साथ ये एक्सबॉक्स सीरीज एस के साथ, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास हैवी वाइट ओएलईडी है और एक्सबॉक्स सीरीज एस भी वाइट ही है, तो ये सही कॉन्ट्रास्ट बैठता है इसके साथ। और ये वॉलपेपर से ना बहुत एनहेंस हो जाता है सेटअप बेसिकली। और यार ये देख सकते हो आप, मेरी लेजेंड ऑफ आर्कियस की गेम प्ले वीडियो चल रही है स्क्रीन पे, एंड यार 32 इंच 1440p स्क्रीन ना बहुत अमेजिंग लगती है। मतलब मेरे पास तो बचपन से, मतलब ऐसा कोई प्ले स्टेशन 2 या वो था नहीं इनमें से कुछ भी, तो मेरे पास एक PSP था, और जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सबॉक्स सीरीज एस, बेसिकली गाइज जिनको नहीं पता है, मेरा फर्स्ट एवर प्रॉपर काउच गेमिंग वाला कॉन्सोल है, तो उसके साथ जो ये बेसिकली कॉम्बो बैठता है ना इस मॉनिटर और सीरीज एस का, अमेजिंग। मुझे लगता है पर्सनली बेस्ट मॉनिटर है सीरीज एस के लिए ये वाला। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो अगर आप चेकआउट कर सकते हो, खरीदो ना खरीदो वो तो आपकी मर्जी है। इनफैक्ट जितने भी ये सब कुछ आप देख रहे हो ना, ये वॉलपेपर इंक्लूडिंग, इन सबकी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको खरीदना तो आप डेफिनेटली वहाँ से खरीद सकते हो। एंड गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ वो है ये इन्वर्टर। इन्वर्टर इज़ वन मस्ट हैव थिंग अगर आप एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन पर गेमिंग करते हो, क्योंकि लाइट चली जाती है और वो रैंडमली बंद हो जाते हैं। निन्टेंडो पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निन्टेंडो पे तो बढ़िया है, अपना चार्ज करो और खेलते रहो, लेकिन इसके लिए ये इसके लिंक मैं अनफॉर्चुनेटली आपको दे नहीं पाऊंगा शायद, पर ये यार ये बहुत मस्ट हैव है, और इसका बैकअप भी बहुत अच्छा है। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ AC वगैरह की इतनी नीड नहीं होती है, तो मेरा तो बहुत दिन निकाल सकता है ये, ऑल्दो इतने टाइम के लिए कभी लाइट जाती नहीं आते। एंड यार फिर अगर थोड़ा और राइट की तरफ आओगे ना, तो ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ये मेरा ऑफिस लैपटॉप है, ये और गाइज ये दिस इज़ एन अमेजिंग कॉम्बो यार। ये मतलब ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस है, ठीक है, सिर्फ यही दोनों है, ये नहीं आता है, ये अलग से खरीदना पड़ता है आपको माउस पैड, पर ये माउस पैड भी बहुत अच्छा है यार, मैंने कॉलेज में खरीदा था, अभी तक चल रहा है, अमेजिंग क्वालिटी है इसकी भी, बहुत स्मूथ है। पर ये वाला कॉम और ये गाइज ये बेसिकली कोइंसिडेंस है कि ये दोनों तो चलो कॉम्बो में थे तो रेड है, ये कम्प्लीटली कोइंसिडेंस है कि ये भी रेड ही है। ये वाला कॉम्बो बहुत अमेजिंग है यार, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, दिखने में भी बड़ा कूल सा है यार ये, और ये चलता भी सही है, मतलब क्लिक्स अच्छे हैं, वो व्हील भी अच्छा है इसका, सब कुछ बढ़िया है। ये वाले भी जो कीबोर्ड है इसका भी जो क्लिक्स हैं ठीक है, थोड़ा छोटा है साइज़ में ऑफकोर्स, और मेरे हाथ भी थोड़े बड़े हैं तो उस हिसाब से थोड़ा छोटा लगता है मुझे, बट आई थिंक बाकी लोगों के लिए सही बैठता होगा ये। एंड यार ये भी बेसिकली ना एक वॉलपेपर ही है जो मैंने टेबल के ऊपर चढ़ा रखा है, इनफैक्ट ऐसा एक वॉलपेपर उस साइड भी एक टेबल पे है, इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सही रहता अगर आपका फर्नीचर थोड़ा पुराना सा हो गया, या आपको गेमिंग सेटअप या कोई सेटअप में आपको ना थोड़ा कूल सी लुक देनी है, तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन है, इस वाले की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो कि आप प्राइस वगैरह बैठता है इसका। और यार फिर आते अपने ऊपर वाले शेल्फ की तरफ, यहाँ पे यार ये वाली बुक मैं करंटली पढ़ रहा हूँ, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बताओ यार कमेंट सेक्शन में अगर आपने भी ये पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस ट्रिलॉजी गाइज, बहुत पुरानी है मुझे पता है, अगर किसी ने पढ़ रखी है, मैं अभी इस तक पहुँचा हूँ। ये पीछे कुछ प्लांट्स हैं, मुझे बहुत सही लगता है थोड़ी बहुत ग्रीनरी अपने रूम में। ये JBL का स्पीकर है, ये भी बहुत सही है यार, छोटू सा है बट ठीक है, एक कमरे के लिए तो बहुत सही है। ये लॉजिटेक का मैंने कॉलेज में लिया था, आई थिंक इसको 4-5 साल हो गए, अभी भी बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है इसकी, तो ये भी मैं हाईली रेकमेंड करूँगा। आई थिंक इसका शायद हो सकता है तो नेक्स्ट वाला वर्जन आ गया हो, इसका तो डेफिनेटली आ चुका है, इसका आई एम नॉट सो श्योर। तो गाइज यार विद द लाइट्स ऑन, ओ एक और चीज़ यार, एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा सेंस बनाएगी अगर मैं आपको थोड़ा अंधेरा करके दिखाऊं, तो ऑफकोर्स हमें को रात होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रूम में बहुत लाइट रहती है सनलाइट, तो मैं अभी तो नहीं दिखा सकता, तो ये वीडियो मेरे लिए मेरे बनाने में बहुत लंबी हो जाएगी, तो पर आपके लिए तो बस एक ट्रांजिशन अवे है। तो मैं आपको नेक्स्ट जो दिखाने वाला हूँ वो होगा कि ये पूरा सेटअप रात को कैसा दिखता है, और ये रात को बहुत सही लगता है यार, मतलब गेमिंग करने में फील आ जाती है, तो अब देखते हैं यार ये रात को कैसा लगता है। एंड गाइज यार रात को ना ये गेमिंग सेटअप कुछ ऐसा दिखता है जब मून लैम्प ऑन होता है, ब्लूटूथ लैम्प ऑन होता है, LED स्ट्रिप ऑन होती है, एंड ऑफ कोर्स जब मैं बैठ के गेमिंग कर रहा होता हूँ, इनफैक्ट जब कभी कभी मैं हैंड हेल्ड गेमिंग कर रहा होता हूँ तो भी मैं ये सब चीज़ें ऑन रख के ही गेमिंग करता हूँ। तो यार आई होप कैमरा थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे पा रहा होगा कि ये गेमिंग सेटअप कैसा दिखता है रात को। और अब आप लोग देखो यार कि ये ब्लूटूथ लैम्प बेसिकली काम कैसे करता है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो टच सेंसिटिव है, एंड जब आप उसको प्रेस करते हो तो कलर्स बदलता है, उसको होल्ड करके रखोगे तो ऑफकोर्स एक अलग ट्रांजिशन आएगा। कैमरे में जो जिटर्स हो रहे हैं ना वो फोन की वजह से है, ब्लूटूथ लैंप ऐसा नहीं करता है। ऑफ कोर्स मेरा फोन थोड़ा सा पुराना है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये जो लाइट फ्लिकरिंग है ये ब्लूटूथ लैंप से आ रही है, बट वैसा नहीं है।
एंड यार उसके लेफ्ट ही साइड पे जो मून लैम्प है उसको भी चला के मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका बेसिकली मेरे पास एक रिमोट है तो उससे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, इसमें भी सिमिलर ट्रांजिशंस वगैरह। एंड इनका काम बेसिकली थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस करना है एक कोने में, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करते हैं तो आपका पूरा कमरा रोशन नहीं होगा, बट बेसिक से लाइट कर देते हैं प्रोड्यूस। एंड गाइस जरा आप फाइनली देख सकते हो कि मेरा गेमिंग सेटअप कैसा दिखता है रात को दिन में, दोनों जगह का ट्रांजिशन मैंने दिखा दिया आपको। एंड यार ये वाली वीडियो मैं एक्चुअली बहुत टाइम से बनाना चाहता था बट मुझे खुद को समझ ही नहीं आता था कि यार बनाऊँ कैसे, तो मैंने एक दिन मैं का बस कैमरा उठाते हैं और बना देते हैं, क्योंकि मैं दो बार ना एक्चुअली कम्युनिटी पोस्ट पे पोल्स ले चुका हूँ कि कोई इंटरेस्टेड है क्या गेमिंग सेटअप पे, और दोनों बार ओवरवेलमिंगली येस पे वोट किया आपने, तो मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था दूसरी बार भी आपको। थोड़ा सा लेट हो गया मैं यार, एक्चुअली ये वाला जो वीक था इसमें बहुत बिजी हो गया था ऑफिस को लेके, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियोस बनाने का, तो आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक फॉर दैट। तो यार ये वाला गेमिंग सेटअप इज ऑल डन, अब आप आराम से इस वीडियो को देखो, देखो कि आपको इनमें से कोई चीज़ अपने गेमिंग सेटअप के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको गाइस चाहिए तो प्लीज़ यार जो लिंक्स है ना उनको यूज़ कर लेना डिस्क्रिप्शन में, आपका ये छोटा सा काम मेरे लिए और चैनल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ डू यूज़ द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको इनमें से कुछ भी खरीदना है। एंड ऑल्सो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, पुराने वाले कमेंट लाइक, नए वाले भी कमेंट लाइक करो प्लीज़, एंगेजमेंट रेट बढ़ाओ थोड़ा, हमारी भी रीच बढ़ाओ यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, मतलब कब तक हम ऐसी लो बजट वीडियोज़ बनाएंगे, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे पैसे आएंगे तो थोड़ा और हाई बजट वीडियोज़ भी बनाएंगे यार। एंड यार प्लीज़ यार आप लोग कमेंट सेक्शन में ना बताया करो कि आपको किस बारे में वीडियो देखनी है, सजेशंस दिया करो कि मतलब अनजो रेपिटेटिव सजेशंस होंगे, अगर आप कोई टॉपिक है वो बार बार कोई बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं ऑफकोर्स उस पर वीडियो बनाऊंगा एंड अपना जो भी ओपिनियन होगा शेयर करूंगा एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज। तो प्लीज़ यार कॉमेंट्स में ना थोड़ा एक्टिव रह के सजेशंस दिया करो कि आपको किस बारे में वीडियो देखनी है, मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा किस बारे में वीडियो बनानी है इस हफ्ते। एंड गाइज यार इफ यू कैन देन प्लीज़ डू डोनेट वाय सुपर थैंक्स डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब से भी कर सकते हो आप, अगर आपको डायरेक्टली मुझे ही बैंक अकाउंट में भेजना है तो UPI ID डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी दिख रही है तो आप वैसे भी भेज सकते हो, सुपर थैंक्स के वाया भी भेज सकते हो, कम्प्लीटली और डिस्क्रिप्शन बस भेज दो यार प्लीज़, स्मॉल बिग अमाउंट डजेंट मैटर, बस एनी अमाउंट हेल्प्स, सो काइंडली डू डोनेट टू द चैनल इफ यू वॉन्ट टू सी मोर कॉन्टेंट इन द फ्यूचर। एंड गाइज इससे पहले आप लोग मुझसे कॉमेंट में पूछो कि गेम कौन सी चल रही है, ये गेम Far Cry 6 है, मैंने अभी रिसेंटली खरीदी है अल्टीमेट एडिशन इसकी एंड बहुत अमेजिंग गेम है यार, मज़ा आ गया इस गेम को खेल के, आप भी डेफिनेटली ट्राई आउट करो इसको। तो यार इस वीडियो के लिए गाइज रखते हैं इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।